है जहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स खेती की वो तकनीक है जिसमें फसल बिना मिट्टी के तैयार ही की जाती है, लेकिन इसमें अब तक पूरी दुनिया में केमिकल फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करना होता है। छत्तीसगढ़ के नामचीन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर ने इसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर दिखाया। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि बिना मिट्टी की खेती आधुनिक तकनीक है जो इजराइल के रास्ते पूरी दुनिया में फैली है, लेकिन जो इसमें न्यूट्रिशन पौधों को दिया जाता है, जो पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। हालांकि कई देशों में इसको, चूंकि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऑर्गेनिक की मान्यता है, लेकिन पूरी तरह से इसको ऑर्गेनिक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि विष मुक्त जरूर कहा जा सकता है। डॉक्टर संकेत ठाकुर ने एक नया आविष्कार किया है। उन्होंने ऑर्गेनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोपोनिक सब्जियां और दूसरे जो उत्पाद हैं उनको लगाने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर संकेत ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये किस तरह का है कि आपने इसका ऑर्गेनिक तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि जो भी अब तक यूज होता था, जो यूरिया या फर्टिलाइजर, वो सब केमिकल होता था। ये शायद पहली बार है कि आपने ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल किया है। देखिए रुपेश जी, आपको मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा। मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, और जब पौधे की जड़ जाती है मिट्टी के भीतर, तो पानी में पोषक तत्व घुलते हैं, और वो पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ उसको अवशोषित करता है। मतलब मिट्टी एक माध्यम है जिसके माध्यम से पोषक तत्व पौधों को मिलते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या है, तो चाहे मैं अपनी बात करूं, मानव शरीर की बात करें, चाहे पशु शरीर की बात करें, चाहे पेड़ पौधों की बात करें, मूलतः पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में मोटे तौर पे सभी में पाए जाते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे खून की जांच हम करें तो उसमें सारे तत्व मिलते हैं। सवाल कि इसको जो फिल्टर करना था, चूंकि वो फिल्टर लिक्विड फॉर्म में होगा तभी पौधों तक पहुंचेगा, वरना ऑब्स्टेक्ट क्रिएट होगा, तो आपने छान करके किया या कोई स्पेशल को अलग से टेक्निक की जात की? इसको हमको छानना पड़ता है, बिना छाने तो आप निकाल नहीं सकते। तो वो तो ये था डॉक्टर संकेत ठाकुर, जिन्होंने ये नई तकनीक खोजी है, और ये वाकई में खास तौर से जो चिंता जाहिर की जा रही है कि जो रसायन वाली खेती है और उसके जरिए जो दुष्प्रभाव मानव शरीर पर पड़ते हैं उससे किस तरह से निजात पाया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश को इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए।